मुखिया अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो वो देश धार्मिक प्रवृत्ति हो जाता है। सम्राट अशोक के समय में देश बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कोई स्त्री नहीं है, बस शनि लाग गया, एक डर मन में बैठा हुआ है, वो लगी जाते। आज मैं आया हुआ हूँ सातलावास में शनि धाम पे, और वहाँ गुरुदेव अशोकनाथ जी है हमारे साथ। गुरुदेव प्रणाम। आज शनिवार है और शनि जी का दिन है आज, तो बड़ी भक्तों की श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जमा है। आप क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? भगवान खूब भक्ति दे सभी को, गुरु महाराज खूब कृपा प्राप्त, गुरुदेव दिनों दिन यहाँ भक्तों का जो तांता है लगा है, भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही, इसका क्या वजह है, क्या कारण मानते हैं? तो देवता ही वजह है, शनि महाराज का जो चमत्कार है, उनकी धाम का चमत्कार है। जी जी। और यहाँ क्या क्या अपने विकास कार्य किए हैं धाम पे? विकास कार्य हाल फिलहाल में तो ये अभी आंगना लगाए ऊपर, जो चबूतरा है शनि महाराज के, उस पर ग्रेनाइट लगाए, और भीत अभी निकाली है, एक कमरे और बनाए, तभी और आगे चल रहा है काम। पहले भी मैं आपके पास आया था तो बात की थी, लोग कहते हैं कि शनि लाए गए, शनि महाराज ने मतलब सम्मानजनक स्थिति नहीं बोले, तो शनि भगवान की क्या प्रवृत्ति है और किस प्रकार से भक्तों को लेना चाहिए? लाग गया शनि लाग गया तो फिर तो लाग ही जाता है, नहीं जी है नहीं कोई श्री है, अपने बड़ों के नाम के आगे भी श्री मान श्री लगाते है। देवता है तो वो तो कोई श्री नहीं है, बस शनि लाग गया, एक डर मन में बैठा हुआ है, वो लगी जाते। तो गुरुदेव आजकल जो वैसे शनि ग्रह है तो वो तो समय आने पे तो वो लगते ही है, सभी के लगे हैं, विक्रम के लगे हैं, और एक से एक देवी देवताओं के ही लागू हुए। आज एक सवाल आपसे और भी पूछूंगा जो हो सकता है राजनीति से ओतप्रोत हो। अभी पिछले 5-7 साल में जिस प्रकार हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म की जो प्रवृत्ति है, लोगों की मानसिकता बदली, संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री तक बने, तो साधुओं उनमें उनसे कुछ प्रकार से सहयोग किया है, क्योंकि वो इसी जमात से जाते हैं। मुखिया अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो वो देश धार्मिक प्रवृत्ति हो जाता है। सम्राट अशोक के समय में देश बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्यों? सम्राट अशोक ने ही बौद्धिस्ट हो गए, समझ रहे हैं? जी जी जी। तो मुखिया जो है देश के और अच्छे है तो वो फिर वो धर्म का ही विकास करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं जैसी जैसी नियत राजा की होगी वैसी प्रजा नियत रखेगी, बिल्कुल। और आजकल वैसे देखा जाए तो लोगों की जो मंदिरों में है रुझान बढ़ा है, ये डर है या भक्ति है? कुछ भी लगाओ पर भक्ति बस ही आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भय है उसको, कुछ भला हो जाए, मंदिर में जाऊं, कुछ मेरे से दान पुण्य हो वो कर दूं। हाँ, वो प्रायश्चित करने के अलग अलग रास्ते हैं अपने, कोई किस विधि से प्रायश्चित करता है गलतियों का, कोई आस्था से आता है, कोई भक्ति भाव से आता है, कोई प्रायश्चित करने के भाव से आता है। तो ये थे अशोकनाथ जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताई है कि किस प्रकार की आज देश में स्थिति बनी है, हिंदू धर्म को लेकर लोगों की आस्था है किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। आपको भी ये जानकारी और ये धार्मिकता अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।